तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं और भारत से पढ़ने गए छात्र वहां पर यूनिवर्सिटीज में फंस के रह गए हैं। पांचवें दिन के युद्ध के बीच जालौन की छात्रा छाया यादव भारत सरकार की मदद से सकुशल अपने घर वापस लौटी हैं। छाया यादव के घर लौटने पर परिवार में जश्न का माहौल है। छाया ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा है कि सरकार वहां पर फंसे और छात्रों को भी जल्द से जल्द घर वापस लेकर आए। अच्छा, तो अभी आप वहाँ से आए तो वहाँ के हालात क्या है? सर, वहाँ के हालात उस टाइम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ही, रशियन मिलिट्री ने इतना ज्यादा, वो इतनी शांत देश है ना कि मतलब अगर आप लोग वहाँ कभी जाने का आपको मौका मिले तो मतलब इतना प्यारा देश है। और आज उसकी ये हालत है कि हर जगह लोग कहीं मरे पड़े हैं, कोई वो बहुत ही हर बिल्डिंग में जाके कहीं से ऊपर से मिसाइलें जा रही हैं कहीं। सर, मुझे जहाँ तक आइडिया है अभी, जहाँ जहाँ मिलिट्री नहीं है उस सिटी में, जिन जिन सिटियों में मिलिट्री नहीं है वहाँ वहाँ से तो बच्चे इवैक्यूएट हो गए हैं, लेकिन शहर जैसे कि खारकीव हुआ और कीव हुआ, वहाँ पे बच्चे 7 दिनों से लगातार भूखे, मतलब अभी तक वो बंकरों में छिपे हैं। और अब तो ये पता सुनने में आ रहा है कि वो लोग बंकर पे भी अटैक कर रहे हैं। मानसिक रूप से बहुत परेशानी उठानी पड़ी जी। और ये प्रयास किया मीडिया से कि कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी में बनी रहे जी। और कनेक्टिविटी में रहते रहते ये जो पता चला कि कुछ बच्चे किन्हीं मतलब हालातों को पार करते हुए रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं जी, तो हम लोगों ने ये कहा कि बेटा ऐसा करो कि किसी तरह अपने सीनियर से बात करके और बॉर्डर तरफ जाने की कोशिश करो जी, क्योंकि वहाँ और भी हमारे साथ के बच्चे होंगे तो आपको हेल्प होगी। और हम लोग लगातार इस मंथन में कि किसी तरह इन किन प्रकारण बेटी वहाँ से निकल आए।